राजेश साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम साई कॉलेज भिलाई। एंड आज हमारे कॉलेज में मॉडल कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो हमें स्टैटिक मॉडल के साथ साथ वर्किंग मॉडल्स भी बच्चों ने बनाए हैं। ये बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज़ को सामने लाने के लिए किया गया। सो लेट्स टेक अ लुक। तो आप लोगों ने क्या मॉडल बनाया है यहाँ पर? डिजिटल बायोशेल्टर में किसी पेड़ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे 6 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और आसानी से इसको मटेरियल को कहीं से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इन्होंने जो मॉडल बनाया है ये बेर का, ये जो दिख रहा है आपको, ये बेर का कुछ एक ओपन करके दिखाएंगे क्या? जी सर, ये बेर का कुछ पेस्ट है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और इसका अगर मैं मॉडल बताऊं तो कुछ ऐसा इस तरीके से मॉडल बना हुआ है जिसमें कनेक्शन जो है वो सीरियल वाइज किया हुआ है और LED के थ्रू जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो आप यहाँ मल्टीमीटर से इलेक्ट्रिसिटी नाप के दिखाने वाले हो। देखिए, ये आपका LED जो है वो जल रहा है। अच्छा, सबसे पहले इसका कनेक्शन देख लेते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये यहाँ पर इस तरीके से सीरियल कनेक्शन किया हुआ है और ये दोनों पिन यहाँ पर आए हुए हैं। अब अगर मल्टीमीटर से हम इसको नापेंगे तो इसमें कुछ वोल्टेज यहाँ पर दिखाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने मल्टीमीटर पर 5.7 वोल्ट लगभग आसपास यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, यानी एक LED बल्ब यहाँ पर हम रख रहे हैं तो वो जल जा रही है। देखिए, LED बल्ब आपको जलती हुई दिख रही है। तो इसका जो कनेक्शन है कुछ इस तरीके से किया हुआ है, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सीरियल कनेक्शन किया हुआ है और इसके फीचर्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले किए हैं। क्या नाम रखा है आपने इनका? जीजीपस बायो सेल। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट मॉडल की ओर चलते हैं। आपने क्या बनाया है मैडम? ये हाइड्रोलिक ब्रेक। चलिए, इसको आप बना के रन करके दिखा सकते हैं कैसे वर्क करता है ये। मतलब आपका ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ये पिस्टन को आगे ढकेल रहा है और ब्रेक मतलब फैन को रोक दे रहा है, देन इसको रिलीज करना है। ओके, तो इसमें आपने क्या लिक्विड यूज किया हुआ है अभी इसमें? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स लोगों ने बना रखे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ DNA का मॉडल है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। ये आपने क्या बनाया रखा है? ऑयल एंड वाटर सेपरेटर, यानी कि ये ऑयल और वाटर को अलग अलग कर देता है। तो कैसे वर्क करता है आप दिखा पाएंगे इसको? हाँ, ओके, तो आप इसको कैसे कर रहे हो, रन करके दिखाओ। अच्छा, ये टैंक में वाटर और ऑयल का मिक्सचर है, देन ये रोटेट होगा और बेल्ट से दोनों लिक्विड जो है ऊपर आएंगे। सर, इसमें से ऑयल ही ऊपर आता है? ऑयल ऊपर आता है, वाटर की कुछ मात्रा है। अच्छा, अच्छा, टकराता है और टकराने के साथ जमा हो जाता है। ओके, मतलब इसकी वर्किंग इस तरीके से है, इसमें ऑयल और वाटर का मिक्सचर है और जब रोटेट होता है तो ऑयल चिपक करके बेल्ट से ऊपर आता है और यहाँ पर ऑयल जो है सेपरेट होकर के इस टैंक में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, काफी अच्छा कंसेप्ट है। इसमें ऑयल की प्रॉपर्टी को यूज किया है अपने
अलग करने के लिए। थैंक यू। क्या नाम लिखते हैं आप? केशव। क्लास? बीएससी थर्ड सीएस। ओके ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास के हो? बीएससी थर्ड सीएस जागृति। क्या बनाया है आपने? हाइड्रोमेज। हम लोगों ने मोबाइल में देखा है। हाँ? कोई गेम होता है। अच्छा, ये बेसिकली एक गेम है हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ बना हुआ। ओके ओके। ओके। हाँ ओके। ये अभी चल तो नहीं रहा है। अच्छा, इसकी बैलेंसिंग ऊपर नीचे करते हैं चारों डायरेक्शन से और बैलेंस करके वो हमको रोटेट करके वो करना है। ओके ठीक है, काफ़ी अच्छा मॉडल है। तो ये वाटर जो आपने यूज़ किया है हाइड्रोलिक के लिए, इसके कोई डिसएडवांटेजेस हैं? वाटर जैसे गर्मी में सूख गया या कभी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आया? पूरी तरीके से आपका जो ये होता है हाइड्रोलिक जो चीज़ें हैं वाटर से नहीं की जाती हैं। हाँ अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आपका? युवराज आंगड़े। कौन सी क्लास के हो? बीएससी सेकंड ईयर। युवराज, आपने क्या बनाया है? ओके। रोकने के लिए मैंने वाटर अलार्म बनाया। जैसे ही हम लोग वाटर मतलब वाटर जो है यहाँ तक आएगा और इस वायर के एजेस को छुएगा तो उसके कारण ये अलार्म जो बजेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बजेगा। अभी वाटर नहीं है लेकिन तो ये आपने वाटर को ओपन करके रखा हुआ है ऐसे बजेगा सर। वो अभी मैंने यूज नहीं किया है वाटर। हाँ? लेकिन ये वाटर के वाटर में भी वैसे ही बजेगा। तो ये वाटर जैसे ही इसको छू देगा तो बच जाएगा। हाँ, ये बच जाएगा। और इस वाटर में मान लो करंट आ गया तो नहीं आएगा सर। वो आपको आराम आ जाएगी। आपको ये बंद करना चाहिए, इसको निकाल के बंद कर सकते। प्योर जो वाटर होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। अगर इसमें कुछ मिला हुआ रहता है तभी वो कंडक्टिविटी मिलेगी आपको। तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे आप? ठीक है, काफ़ी अच्छा मॉडल है। और इस तरीके के मॉडल्स जो हैं मार्केट में उपलब्ध हैं और वो वाटर के फ्लो से मेंटेन होता है। स्विच बाहर लगा होता है फिर भी काफ़ी अच्छा चीज़ है कंसेप्ट। इसमें एक डिसएडवांटेज ये दिख रहा है कि आपका जो ये वायर है ओपन है, वो करंट आ सकता है इसमें अगर आप ज़्यादा वोल्टेज के लोगे तो। चलिए नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? वैष्णवी वर्मा और मुस्कान वर्मा। वैष्णवी, मुस्कान, कौन से क्लास के हो? एमएससी केमिस्ट्री से। एमएससी केमिस्ट्री से हैं। क्या बनाया है आप लोगों ने? हमने मैटर का स्टेट बताया, जिसमें तीन स्टेट बताए हैं, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, ये स्टेट बताया आपने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पार्टिकल्स के बारे में बताया है कि ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फास्ट फास्ट स्थिर होते हैं, ये मूव भी नहीं कर सकते, इसकी एनर्जी बहुत ही लो होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। और अगर लिक्विड की पार्टिकल्स की बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े फास्ट होते हैं, बीच में उनके स्पेस होते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अगर गैस की बात करेंगे तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं सर बहुत ही दूर दूर होते हैं, ये मूव आराम से कर सकते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है सबसे हाईएस्ट होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अच्छा, एक ट्यूटोरियल टाइप का है कि तीनों जो स्टेट है उसमें जो पार्टिकल्स है वो कैसे रहते हैं? पास पास रहते हैं। बढ़िया, गुड। चलिए नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? रूपमाला एंड वर्षा वर्मा। कौन से क्लास के हैं आप लोग? एमएससी के हैं। क्या मॉडल बनाया है आप लोगों ने? क्या मॉडल है? बोरॉल मॉडल। ओके, आप लोग के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का कुछ मॉडल है। ओके, क्या दिखा रहा है ये मॉडल आपको? अच्छा, ये कुछ केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके ठीक है, थैंक यू।
सामने रहता है। अच्छा, सामने और पीछे, उसके स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है। ओके, इनका ये केमिस्ट्री का कुछ मॉडल है जिसमें कोई इनका केमिकल जो स्ट्रक्चर होगा उसको दिखा रहे हैं ये। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आपका? वायरलेस ट्रांसमीटर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, कौन से क्लास के हो? बीएससी फर्स्ट ईयर सीएस। क्या बनाया है आपने? सर, उन्होंने बनाया वायरलेस ट्रांसमीटर। वायरलेस ट्रांसमीटर, चलिए बहुत अच्छी चीज है। फिजिक्स से रिलेटेड है, कैसे क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने ये ऑन कर लिया है, अब यहाँ से हम लोग इसको रखेंगे ना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो आएंगे। दो तरह की वेव होते हैं, एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल मतलब जिससे हम लोग को एक प्रकार का वो चाहिए रहता है जिससे कि हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो, पर इसमें हमको ज़्यादा नहीं चाहिए रहता, हमको बस इसमें ऑटोमेटिकली इसमें पास हो जाएगी। सर, टाइम कब का बनना, हम लोग बहुत अच्छे चीज़ बना सकते हैं। जैसे सर ये दूर होता था ना, वैसे इसमें बहुत सारा रेंज होता है, गाना वाना सुन सकते हैं। वैसे सर इसमें अभी लाइट जल रहा है, अभी आगे का प्रोसेस करेंगे इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, करके दिखाइए आगे का प्रोसेस। सर अभी इसमें नहीं है ना। अच्छा, आगे अभी मतलब यहाँ पे शो कैसे हो रहा है, कि ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, तो ये इनके बोलने का मतलब है कि ये एक कुछ इन्होंने बना के रखा है जिसमें अभी लाइट ऑफ है और इसमें कुछ ऐसा सर्किट जैसा बना हुआ है, सर कॉइल बना के रखा है, और जैसे ही इसको इस ट्रांसमीटर के पास आ रहे हैं तो ये ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रिसिटी रिसीव होके ये बल्ब जल जा रहा है। देखिए बल्ब ऑन हो गया है, तो इसके ऊपर जैसे ही रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करता है किसी फॉर्मूला से और बल्ब जो है आपका ऑन हो गया है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।